हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। और गाइज रोब्लॉक्स के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं मून सिम्युलेटर, मून टाइकून सिम्युलेटर। तो गाइज इसमें हम लोगों को मून के ऊपर बिजनेसमैन टाइकून बनना है। और यहाँ पर हम लोगों को अपना अपना जमीन दिया गया है। इस जमीन के ऊपर अपन लोग को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो। और बिल्डिंग के अंदर यार बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट होंगे। यहाँ पर स्पेस शूट होगा, उसके बाद आपका स्पेस व्हीकल्स होंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप कर लिया है अपना माइन। और एक बार आप माइन सेटअप कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक करता। अच्छा पहले क्लिक करना होगा, ओके। तो हम लोगों को सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने से हम लोगों को यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ हमारे जो करेंसी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम लोगों के पास ऑलरेडी $22 हो चुके अकाउंट में, जो कि अब 30 बन चुके हैं। और जितनी तेजी से आप क्लिक करोगे उतना ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। भाई आप तो यार बहुत तेजी से क्लिक कर रहे हो। अरे रुको भाई, मेरे लिए तो रुक जाओ। अबे रुकना, अभी दिखाता हूँ मैं तेरे को अमीरी किसको कहते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हमें $100 यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट मून ड्रॉप लगा सकते हैं। और मून ड्रॉप से क्या होगा कि ये मशीन जो है ऑटोमेटिकली मून के अंदर, जो जमीन के अंदर माइनिंग करेगी और हमें मून का पत्थर यहाँ पर माइन करके ऑटोमेटिकली पैसे देगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसको खरीद के दिखाता हूँ। और ये देखो, देख रहे हो भाई, अपने आप माइनिंग चल रही है। लेकिन गाइस इतना पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा कम है। तो ऑल वी हैव टू डू इज कीप प्रेसिंग दिस बटन। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास $250 हो जाएंगे, यानी कि $250, उसके बाद हम लोग जाकर के अपना सेकंड मून ड्रॉप खरीदेंगे। और सेकंड मून ड्रॉप खरीदने से गाइज हमारा जो माइनिंग स्पीड है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। समझ रहे हो चॉप, मतलब तेजी तेजी से अमीर होंगे। फ्रॉस्ट भाई अब इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या ही है भाई, पैसे की बारिश हो और क्या चाहिए भाई। वो भी अपन लोग चांद के पत्थरों से अमीर बन रहे भाई। यस ब्रो यस, इलॉन मस्क क्या अमीर बनेगा मार्स पे, अपन लोग मून पे ही अमीर बन जाएंगे। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर हम लोगों के पास $250 किसी भी समय हो सकते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट $200 तक पहुंचने वाले, स्टे विथ मी। और बाय द वे, ये एक अच्छा समय आप लोगों को बताने का, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो पे फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेक श्योर करना कि वो जो बेल आइकन है उसको दबा दो और नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर देना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप मिस आउट ना करो। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने इसी के साथ अपना सेकंड मून ड्रॉप खरीद लिया है। एंड यू गाइस वोंट बिलीव इट, अब जो पैसा कमाने का स्पीड है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो माइनर हमारे लिए काम भी कर रहे हैं। और तो और पैसा यार एकदम सटा सट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते जा रहा है। तो गाइस अब मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ जब हम लोग के पास इतना पैसा हो गया होगा कि हम लोगों ने अपना थर्ड मून ड्रॉप खरीद लिया होगा। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे अपना थर्ड मून ड्रॉप लगा दिया है और अब टाइम है लेजर पिस्टल खरीदने का। तो गाइस हम लोगों ने $500 भी यहाँ पर जमा कर लिए है। और आप लोग देख सकते हो लेजर पिस्टल यार हम लोगों की इन्वेंट्री में आ चुकी है। और इस पिस्टल का इस्तेमाल करके आप बाकी अपोनेंट्स को यहाँ पर मार सकते हो। वॉल्स भी हम लोगों ने खरीद ली है और देखने में यार अब हमारा बेस काफी ज्यादा सिक्योर हो गया है। और अब अगर हम लोग किसी से लड़ाई करने जाए तो भाई उसकी बैंड बजा देंगे। और तो और गाइस, कोई भी बिना परमिशन के हमें मार करके नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपको एक यार बिल्डिंग में ना दीवार बनानी जरूरी है, नहीं तो आपके बेस में लोग घुस करके आप पे अटैक करेंगे, आपके सामान को चोरी करने की कोशिश करेंगे और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे जरूरी था अपना सिक्योरिटी करना। और चलो फटाफट से यार यहाँ पे थोड़ा और पैसा कमाते हैं। यू नो व्हाट, अपन लोग ने यार बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अब टाइम है थोड़ा लड़ाई करने का। ऑलराइट, तो सबसे पहले कौन लड़ना चाहेगा भाई, सामने आ जाओ। मेरे हाथ में हमारे पिस्टल आ चुकी है, वो शमशेर आ रहा है। अबे तेरी तो भाई साहब क्या बारिश कर रहा है ये लेजर्स की। ऑलराइट लेट्स गो ब्रो, तुम्हें अभी बताते हो। ओ भाई मरा मरा मरा, यस शमशेर को यहाँ पर ढेर कर दिया है दोस्तों, पहला टारगेट हमारा एलिमिनेट हो चुका है। फोर्ट भाई मेरे पे अटैक मत करना भाई, मैं बहुत ज्यादा क्यूट सा पपी हूं भाई, मेरे को अकेला छोड़ दो। अबे तू साथ दिखाई देगा तब ना भाई, मैं यहाँ पर पता नहीं किसी रैंडम बंदे पे फायर कर रहा हूँ। ओहो, तलवार लेके मार रहा है ये बंदा। ऑलराइट लेट्स सी कौन जीतता है, आजा भाई देखते हैं कौन बेटर है गाइस यहाँ पर। या तो मेरा निशाना पक्का है या फिर ये इंसान खेल का कच्चा है। ओ भाई ओ भाई, अरे अरे आराम से यार, पैर पे गोली लग जाएगी। अरे पैर पे गोली लग जाएगी। अरे भाई साहब डॉच कर दिया मैंने। ऑलराइट लेट्स गो, फायरिंग फायरिंग फायरिंग, एंड एक और गोली लग जा। कम ऑन, मरा क्यों नहीं, और ये लग गया। गट ओवर, ओवर ब्रो ओवर। अरे शमशेर फिर से आ गए दोस्त, तुम मतलब तुम्हारा मन नहीं भरा क्या हमसे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ एक और बार लड़ाई कर ही लेते। ओहो, छुप रहे हो तुम, लगता है बहुत ज्यादा शान पट्टी कर रहा है गाइस ये। इसको तलवार से जाके मारू क्या सिमड़ी के अंदर। फर्स्ट भाई तलवार से लड़ाई करोगे भाई, आप तो बहुत प्रो आदमी लगते हो यार, मार पाओगे इसको, इसके पास लेजर गन है। अबे कुछ भी पॉसिबल है, ये ले खचा खुच खचा खुच। अरे अरे पीछे से एक बंदा आ गया। ओ भाई ओए ओए, अबे वो मार रहा है तो मेरे पे क्यों लेजर चला रहा है। ऑलराइट यहाँ पे बहुत लड़ाई हो रही है, आप लोग इस बंदे को टीपीपी करेंगे यहाँ पे समझे, और इसको दोनों को टपकाने की कोशिश। अबे तीनों मर गए। ओ भाई मैंने गाइस यहाँ पर मरते मरते सबको मार के ही यहाँ पर सांस ली, और हम लोगों के एक बार में 4 किल्स हो गए। मतलब एक ही बंदे को मैंने दो दो बार मारा है, दोनों को ही दो दो बार मारा अपन लोग ने। और अपन लोग अमीरी की यहाँ पर हर सीमा को पार कर चुके हैं, बहुत सारे पैसे आ चुके हैं मेरे अकाउंट में, ऑलमोस्ट $2000 अपन लोग टच करने वाले हैं।
एंड यू नो गाइस कि अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा होता है तो आपको माइनर बैठाना है। और ये रहा हमारा बीम ड्रॉप। अब आप सोच रहे हो कि ये बीम ड्रॉप क्या है, तो गाइस ये क्या करता है कि जो सन की रे आती है ना एटमॉस्फेयर से, उसको यहां पर कलेक्ट करता है और माइन करने की कोशिश करता है सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज करके, तो उससे भी काफी पैसे मिलते हैं। तो जब तक यहां पे माइनिंग चल रही है अपन लोग करते हैं मार, और पिछले बार का बदला लेना यहां पर जरूरी है दोस्तों। इन लोगों को हम लोग मौत के घाट उतार देंगे बिना मतलब के, सबको यहां पर उड़ा दिया। अरे भाई सेलिब्रेट करो ये बोला था ना मैं, मेरे से पंगा नहीं, मेरे से पंगा यानी शहर में दंगा। वो चॉप तू क्या कर रहा है यहाँ पे अकेले अकेले कोने कोने में, भाई साहब देख रहे हो भाई अमीर बने जा रहा है। छोटे भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं गेट पे लेजर लगा के रखा हूँ आपके लिए। अबे तेरी तो भाई इसने बताया नहीं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा निकला। गाइस हम लोगों ने रियलाइज भी नहीं किया और इस चॉप के बच्चे ने हम लोगों को यहाँ पर यार मार भी दिया। एंड दैट्स हाउ यू कॉल अ रियल प्रो, मतलब कि ये बंदा यार बहुत बहुत तेज निकला भाई। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे काम करते, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते, स्पेसशिप वगैरह अनलॉक करते हैं, नए सूट्स वगैरह खरीदते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी जस्ट यार एस्ट्रोनॉट का सूट खरीदा है और यहाँ पर हम लोग आराम से जाके सूट चेंज कर सकते हैं। और देखा आप लोगों ने कितना कूल लग रहे अपन लोग। अब हम लोग यार यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से अपने ओपोनेंट्स को मार पाएंगे और टाइम है यार कुछ नूब लोगों को उनके प्रो लोगों से लड़वाने का, और हम लोग यहाँ पर हैकर की तरह सबको डोमिनेट कर देंगे। एंड हमेशा की तरह शमशेर हमारे सामने यहाँ पर हमें चुनौती देते हुए, लेकिन इसके लेजर के ऊपर से मैं कूद जाऊंगा और चाहे कुछ भी कर ले, भागने से तेरे को आज कोई नहीं बचाने वाला मेरे दोस्त। आज सामने तेरी तो अच्छा तलवार निकालेगा तू, मतलब अपने आप को प्रो समझ रहा है। अरे 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 तीसरा बंदा आ गया भैंस की टैट। भाई साहब यहाँ पर गाइस हमारे ऊपर इस बंदे ने यहाँ पर थर्ड पर्सन कोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम लोग अबे अबे हेल्थ कम हो गई भाई, भागो भागो गाइस बहुत ज्यादा हेल्थ कम हो गई यहाँ पे। मेरे को यार पंगा लेने के पहले अपना हेल्थ चेक कर लेना चाहिए था, बट आई एम टेलिंग यू गाइस अबे अबे दूर से फायरिंग क्यों कर रहा है। यहाँ पर शमशेर को उसने मार दिया है गाइस, क्या हम लोगों को पंगा लेना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं लेंगे भाई, पागल हो क्या? इतना कम हेल्थ है, मेरे को घर के अंदर जाने दो यार। छोटे भाई आप तो मतलब एकदम यार भगोड़ों की जैसा भाग गए भाई यार, मतलब मौका नहीं मिला तुरंत निकल लिए। अबे एक अच्छा योद्धा जानता है कि कब उसको रिट्रीट करना है और कब अटैक करना है। अगर गाइस हम लोग इतना भी नहीं जानते तो बेवकूफों और सोल्जर्स में ज्यादा अंतर नहीं बचती है। ऑलराइट यहाँ पर अब टाइम है जल्दी से नई नई चीजें अनलॉक करने का, और चलते हैं अब यार अपने अगले फ्लोर पर जो कि है थर्ड फ्लोर। और एक्चुअली थर्ड फ्लोर अनलॉक करने के लिए यहाँ पे काफी सारे पैसे चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। ओ अरे मैंने थर्ड फ्लोर अनलॉक कर लिया गाइस, आई गेस रुको 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 ये स्पेसक्राफ्ट है। अच्छा स्पेसक्राफ्ट को अनलॉक करने के लिए $7,500 चाहिए, व्हाट मैन इतना ज्यादा पैसा कहां से लाऊंगा मैं? फर्स्ट भाई जमा करो भाई, $1,000 तो ऑलरेडी हो गए आपके पास। ओके तो गाइस हम लोग $1,000 तो जमा कर लेंगे, लेकिन ये देखो ये हमारा थर्ड और फाइनल फ्लोर है इस पूरे के पूरे बिल्डिंग का, और यहाँ पर हम लोगों को काफी सारी चीजें अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। और आप लोग देख सकते हो दूर दराज में यार लोग नॉनस्टॉप मारापीटी कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी हमारा भी समय आएगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर फुल फोकस है गाइस स्पेसशिप अनलॉक करने का, क्योंकि अगर हम लोगों को स्पेसशिप मिल जाएगी तो हम इनके ऊपर यार बम्बार्डिंग कर सकते हैं, गोलीबारी कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से स्पेसशिप यहाँ पर अनलॉक करते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ऑलराइट गाइस बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यार अनलॉक कर लिया है अपना स्पेसशिप। और बाय द वे मैं यहाँ पर आया हूँ अपना मून ड्रॉप लगाने के लिए, और अब मून ड्रॉप फाइनली हम लोगों ने लगा लिया है, बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है, तो समय है कि हम लोग यहाँ पर अपना स्पेसशिप स्पॉन करें और उसके अंदर बैठ करके सबको दिखा दे कि असली योद्धा कैसे लड़ाई करते हैं। ओके तो ये रहा हमारा स्पेसशिप, हम लोग इसके अंदर बैठ चुके हैं, टाइम टू फ्लाई लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप लोग देख सकते हो आसमान की ऊंचाइयों में यहाँ पर हमारी स्पेसशिप पहुंच चुकी है, एंड अब टाइम है नूबड़ों को बताने का कि कैसे अपन लोग बम्बार्डिंग करते हैं। ऑलराइट तो एक सेकंड थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर टारगेट करने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एफ का बटन दबाते के साथ हम लोग मिसाइल गिरा सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी मेरे को इजी टारगेट नहीं मिला। ओ शिट एक और बंदे के पास यहाँ पे स्पेसशिप आ गई है। ऑलराइट मिसाइल लॉन्च कर दिया मैंने, इंपैक्ट हुआ, शमशेर की यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ गई दोस्तों, लेकिन क्या हम लोग इसको मार पाएंगे? थोड़ा निशाना लगाना यहाँ पे मुश्किल साबित हो रहा है, शमशेर हमारे ऊपर लेजर से हमला कर रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे। शमशेर भागने की कोशिश करते हुए अपने घर में घुसना चाह रहा है हमारी पावर को देख के, और यहाँ पर बूम अटैक, और शमशेर बच गया, लेकिन अफसोस हम लोग नहीं। और कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि स्पेसशिप यार कितनी ज्यादा पावरफुल है। ऑल्दो हम लोग उसको टपका नहीं पाए, हम लोगों ने उसको डरा दिया भाई बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ऑलराइट सो गाइस अभी टाइम आ चुका है आप लोगों को एक टूर देने का हमारा मैक्स आउट बेस का। तो आप लोग देख सकते हो बाहर से काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, फुल्ली मैक्स आउट कर दिया है हम लोगों ने, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर बॉटम लेवल पे भी हम लोगों ने सारी चीजें मैक्स आउट कर दी है, और ये हमारा स्पेसशिप थोड़ा सा ग्लिच आउट हो गया, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं अपन लोग को यार उससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी अभी एक नया गन अनलॉक किया, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है गाइस, यार यूजलेस ही है वो गन भी। और देखो मैं अपनी स्पेसशिप पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑलराइट ठीक हो गई, चलो बढ़िया बात है। हम लोगों ने यहाँ पर दो टाइप के सूट भी अनलॉक कर लिए, दूसरा वाला उतना ज्यादा मजेदार नहीं है गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ। और ये देखो भाई पूरा यहाँ पर हम लोगों ने अपना असेंबली लाइन क्रिएट करके रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। और ये रहा हमारा बालकनी जहाँ पर से हम लोग अपना ऑसम व्यू एंजॉय करते हैं और जिंदगी के मजे ले
लेते हैं। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।